अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पे ध्यान आकर्षण का समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने में जनता के बीच गया तो मैंने एक चुनावी घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच गया। उस चुनावी घोषणा पत्र का पहला बिंदु नशा व ड्रग्स व अपराध मुक्त किशनगढ़ के लिए मैंने रखा था। आज जिस प्रकार से नौजवान नशे की लत से ना केवल समाज, ना केवल राष्ट्र को हानि पहुंचा रहे हैं, राष्ट्र को क्षति पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपराध बड़ा बढ़ रहा है। बढ़ती बेरोजगारी व रोजगार के अवसरों की कमी के कारण युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने एसओजी में नशे की रोकथाम हेतु स्पेशल टास्क फोर्स एंटी ड्रग्स के गठन की स्वीकृति देकर एक यूनिट का गठन किया, परंतु वर्तमान सरकार के 7 महीने में इसकी क्रियान्वयन नहीं हुआ और एनडीपीएस पेट्रोल में शीघ्र कार्रवाई बिल्कुल ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ व्यापारिक नगरी है और उस व्यापारिक नगरी में एक काली गैंग नाम की गैंग जो इस नशे की तस्करी की सबसे बड़ी गैंग है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10,000 से ज्यादा नौजवान नशे की लत के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम हमेशा सुनते हैं कि नशा नर्क का द्वार है, नशा नाश का कारण है और आने वाली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है इस सदन को चिंता करनी चाहिए। मैं माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मैं इस सदन और माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस नशे की रोकथाम के लिए जन जागरूकता क्षेत्र में लानी चाहिए, इसके लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से किशनगढ़ में आए दिन अपराध बढ़ते हैं, इस अपराध के पीछे पिछले कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा जो नशे की खेप किशनगढ़ में लाकर किशनगढ़ के व्यापारियों को आतंकित किया, न केवल उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके कारण, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो बेरोजगारी है। इसलिए मैं सदन को आग्रह करता हूं कि नशे के कुप्रभावों से लोगों को जागरूक कर और चेतना शिविर यहां से चालू किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद श्री डोंगर राम केदार जी।